नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुभाष बोहात ने सौंपा ज्ञापन। देश में लगातार डीजल व पेट्रोल के दाम में हो रही वृद्धि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुभाष बोहात के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बुधवार को तहसीलदार सी के ताम्रकार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सुभाष बोहात ने बताया कि डीजल पेट्रोल के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी आ रही है। इसके बावजूद देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, इससे आम जन परेशान है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीनों से जनता परेशान है, इसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम पर रोक नहीं लगाना चिंता का विषय है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से इस पर रोक लगाने की मांग की है। लॉकडाउन खुलते ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि करना शुरू कर दिया। 1 जून से लेकर 24 जून के बीच पेट्रोल 9.26 रुपये एवं डीजल 10.06 रुपये महंगा हो चुका है। अतः प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों सहित अन्य रोजमर्रा की दैनिक उपयोगी वस्तुओं में बढ़े हुए दामों को वापस कर सुलभ दामों में उपलब्ध कराएं। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया? ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश से कि समस्त ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के उसमें धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। आज दिना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। हमने इस जनता की, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ को बुलंद करती है, गरीबों की, किसानों की आवाज़ों को बुलंद करती है। इस समय बोनी का समय चल रहा है, जिसमें सोयाबीन की बोवनी चल रही है, और आज अभी मुझे पता चला है, मैंने तो इतने विशेष तौर पर ध्यान भी नहीं दिया था किसान होते हुए भी, कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया, ये तो मैंने पहली बार देखा है। देश की केंद्र सरकार द्वारा जो लगातार डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के लिए प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की कमर टूट रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी और कोरोना वायरस की चपेट में पूरा देश चल रहा है। इससे देश में जो डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि लगातार बढ़ने के कारण हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, श्री कमलनाथ जी के आह्वान पर, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए जो ज्ञापन हमने आज तहसीलदार महोदय को पठारी में दिया है ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, ये हम चाहते हैं कि हमारी डीजल पेट्रोल वृद्धि तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार वापस ले। ऐसे समय में की गई है जब जनता केंद्र एवं सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से मदद की उम्मीद कर रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल सहित अन्य दैनिक उपयोग वस्तुओं में की गई बढ़ोतरी की घोर निंदा करती है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की जनता को हितों में ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों सहित अन्य रोजमर्रा की दैनिक उपयोगी वस्तुओं के बढ़े हुए दामों को वापस कर सुलभ दामों में उपलब्ध कराने की कृपा करें। पेट्रोल की, डीजल की कीमतों को कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमत वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस।